गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आनंदी माँ को सत सत प्रणाम, सुरेश जी को सत सत प्रणाम, और यहाँ एस बी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जूम मीटिंग काफी दिनों बाद शुरू हुई है, इसका रीजन आनंदी माँ आपको बताएंगी। हाँ जी आनंदी माँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी साधकों को मेरा प्रणाम और शुभकामना कि हमारा 20 दिन से हो नहीं पाया था जूम मीटिंग। और आवाज आ रही है बेटा? जी माता जी, आवाज आ रही है। निर्जला का शिविर था, फास्टिंग का, और हमारा माता जी आपने, हाँ जी अभी बोलिए माता जी। हाँ एक्चुअली फोन आ गया बीच में। तो निर्जला फास्टिंग का शिविर था और फिर हमारा पंजाब का शिविर थी। अभी जैसे 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तो हम लोगों का शिविर के कारण काफी व्यस्तता रहा और साधकों को देखना पड़ा, तो इसके कारण हमारा जूम मीटिंग नहीं हो पाई थी। उसके लिए हम थोड़ा खेद प्रकाश कर रहे हैं। और बाकी अभी हमारा जूम मीटिंग चल रही है, चलेगी आगे। सभी साधक जो भी प्रश्न करना चाहते हैं या अनुभव सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं अभी भी, और कितने जुड़े हैं ये देख सकते हैं हम। अगर कोई अभी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, क्योंकि काफी दिन बाद हुआ। तो फिर भी मैं ग्रुप में मैसेज करी थी 8 बजे हो रही है बोल के, कोई 8:30 बजे भी देख सकते हैं। हम इसीलिए टाइमिंग 8 बजे करे हैं कि अभी मौसम बदल गया है, ठंडी का मौसम मौसम आ गई है। हमारा हिमाचल प्रदेश में बहुत तो ठंड हो जाती है, तो 8 बजे मतलब काफी रात ही हो जाती है। हमारा तो जल्दी 5 बजे 4:30 बजे से अंधेरा हो जाता है, तो इसके कारण हम 8 बजे रखे हैं। अगर किसी का ये होगा तो वो बोल सकते हैं। का साउंड नहीं आ रही है क्या? आ रही है माता जी। हाँ जी, किसी हाँ साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जगदीप जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पहले तो नमस्ते माता जी, प्रणाम, पाय वंदन आनंदी माँ को और बीवी नमस्ते। चौहान साहब को याद करते हुए। बीवी चौहान साहब जुड़े हुए हैं? आज तो नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका अभी तो उन्होंने पहुंचे हैं उधर यहीं से। हाँ जी माता जी, मेरा अनुभव यह रहा है, मैं किडनी पेशेंट था। अभी 5 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ माता जी। पहली बात तो ये है कि जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो हम बोलते हैं, उसके सेकेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तदम भक्तियु प्रयतात्मनः मशनामि प्रयतात्मनः। मतलब जो कुछ भी मुंह में डालते हैं वो प्रसन्न चित्त से प्लेजेंट और अच्छी चीज ही खाना चाहिए। जो रॉ है, जो रॉ हम ANDS में मानते हैं, वो सबसे अच्छी चीज जो माउथ वाटरिंग होती है उसको बेस्ट में बेस्ट फ्रूट वेजिटेबल के स्टोर में से लानी चाहिए। किसी का ऐसा होता है कि हमको अच्छा नहीं लगता, ये नहीं, लेकिन बेस्ट में बेस्ट, सपोज बेस्ट मैंगो, बेस्ट एप्पल, बेस्ट ग्रेप्स, बेस्ट कैरेट, बेस्ट रेडिश, ऐसा सब खाएंगे तो दैट विल कंज्यूम थॉरली इन टू अवर सेल्स। और दूसरी बात मैं आपको माता जी कहना चाहता हूँ कि जो हम बताते हैं कि आफ्टर फास्टिंग ऑफ 8 आवर्स हम जो बताते हैं कि ये फुदीना, धनिया, आंवला, तो वो भी अच्छा ही है और मैंने बहुत प्रयोग किया उसका। लेकिन मोर बेनिफिशियल व्हाट इज द थिंग इज दैट आई एम टेलिंग यू माता जी, अगर आपको ठीक लगे, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप बेलपत्र का जूस पीते हो एक ग्लास ग्रीन, या फिर वो सिंपल लीव्स डाल के छन्नी से छान लेने का है तो बेलपत्र है, दुर्वा ग्रास है, फिर वो तीसरा वो महा बेलपत्र है,
पीपल कट लीव्स है, दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल देन ये मिंट फुदीना धनिया ये सब डालते हैं मिक्स करके सब, तो उसका क्वालिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये पीपल का जो भी चढ़ाते हैं महादेव भगवान को, शंकर भगवान को, फिर दूर्वाग्रह चढ़ाते हैं गणेश जी को, फिर आकड़े का पान चढ़ाते हैं हनुमान जी को, लेकिन आकड़े का पान इतना नहीं ले, दैट इज लिटिल बहुत डिफिकल्ट, फिर गिलो है, फिर ये पीपल का ट्रीज है, पीपल ट्रीज इन द वर्ल्ड गिव्स मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो फॉर अस्थमेटिक पेशेंट्स पीपल ट्री इज द बेस्ट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यही पीपल ट्री है दैट इज गिविंग 24 आवर्स ऑक्सीजन, और एक वास कृष्ण भगवान का एक अवतार जैसे बताते हैं कि वो अवतार लेते हैं धर्म का रक्षण करने के लिए, तो एक अवतार उसका माना जाता है वो पीपल ट्री भी था, तो माता जी आप कुछ कमेंट कीजिए उसके बारे में, ये दो बातें हैं मेरी। देखिए, ये हमारा बाद में भी ले सकते हैं। हमारा पहला जूस होती है डिटॉक्स जूस, तो इसीलिए लेते हैं कि हमारे जो खाली रखे, मतलब पेट को खाली रखे, तो हमारा बॉडी जो मल निकाला उसको सफाई होने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए हम क्लींजिंग जूस लेते हैं। क्लींजिंग जूस में आमला पड़ना जरूरी है। कोई भी हरी पत्ती डालो, ये पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आमला नहीं है तो हमारा डिटॉक्स जूस नहीं बोला जाएगा, उसको क्लींजिंग जूस नहीं बोला जाएगा। तो जिनका भी स्वस्थ नहीं हुए हैं, अस्वस्थ है अभी यार, उनको हीलिंग होना है, हील कर रहे हैं, तो उसी लिए पहला वाला हमारा डिटॉक्स जूस जरूरी है। तो उसमें आमला, कोई भी हरी पत्ती लो, उसमें आमला पड़ना जरूरी है। उसके बाद आप जब भी लो तब बिना आमला का भी ले सकते हैं, यही सब पत्ते डाल के भी ले सकते हैं और बिना आमला का ले सकते हैं। लेकिन पहला जूस जो हमारा फास्टिंग खोलते हैं, जो लोग स्वस्थ नहीं हुए हैं उनको ये लेना जरूरी है। बाकी जो स्वस्थ हो गए हैं, जिनका मतलब फील कर रहे हैं अच्छे हैं, तो उनको फिर क्लींजिंग जूस का भी जरूरत नहीं है, डिटॉक्स जूस का भी जरूरत नहीं है। उस समय आप खाली हरी पत्ती ये डाल के इसका जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हुए तब तक ऐसा लेना पड़ेगा। नहीं मतलब माता जी मेरा ये कंसर्न है, व्हाट आई एम टेलिंग इज ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने हमारा ये अनुभव है, हम ही बता रहे हैं, हमारा भी 5 साल की अनुभव है, काफी साधकों का भी अनुभव है बेटा, तभी हम बता रहे हैं। परम पूज्य माता जी सद्य चौहान गुरु जी का 30 साल का अनुभव है। तो पहला जूस क्लींजिंग जूस ही होगी और उसमें आमला पड़ना जरूरी है। अगर आमला नहीं डाल रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। और उसके बाद आप जब भी जूस लो, यही पत्ते डाल सकते हैं, कोई किसी भी पत्ते डाल नहीं, सकते, कड़वा ना हो, जिसमें दूध ना निकलता है, कोई भी पत्ते डाल सकते हैं, यही मेरे बोलने का मतलब है। उसमें मेरा पीपल के पत्ते भी आ सकता है, बेल की पत्ते भी आ सकता है, तुलसी की पत्ते भी आ सकता है, दुर्वा की पत्ता भी आ सकता है, लेकिन ये आमला अमरूद जरूरी है। आता, आम का पत्ता भी आ सकता है, कोई भी पत्ता आ सकते हैं। उसमें आपके पास जो ओरिजिनल सीजनल ओरिजिनल है, आपके पास बहुत आसानी से मिल जा रहा है, वो पत्ते हम डाल सकते हैं जी। थैंक थैंक यू थैंक यू। यू जी बेटा। अनीता जी बोलिए। बोलो। हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम। मैं सुनील गुप्ता बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैं दो चार बार आपसे बात कर चुका हूँ और मेरी मिसेज आपको फॉलो कर रही है, अनीता गुप्ता। तो वो अनीता गुप्ता बाकी तो सब बातें हो गई हैं, मगर ये पूछना भूल गई है, 10-12 दिनों से मेरे पैर के दोनों तलवे के नीचे है ना ऐसे गद्दी नुमा महसूस हो रहा है, चलने में बहुत परेशानी हो रही है, और मैंने 3 दिन का निर्जला किया था, उसके बाद 4 दिन से अभी मैं रसाहार पे हूँ। तो ये जो पैरों में गद्दी बना जैसा लग रहा है मुझे, वो कैसे जाएगा, क्या कुछ उसका उपचार बताइए माँ। कैसे पना लग रहा है, मैं गद्दी नहीं जैसा समझता। मतलब सेंसेशन नहीं है उसमें, ऐसे कैसे कोई ऐसे गादी जैसी हो जाती है ना, ऐसे अर्थ अर्थ का सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो हाँ, तो उसका कोई आप सुरेश बेटा से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। आपका कैंसर का ये है प्रॉब्लम है हाँ ना जी आपकी। हाँ जी,
और आपने थोड़ा मेरे बीच में 6 महीने रॉकपुर पे रहे, लेकिन आपने निर्जला इतना नहीं कर पाए थे और हाँ आपका फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे जो कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए हमको। कोई हाँ कोकोनट नहीं लेना चाहिए, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, अंजीर, मुनक्का, किशमिश, काजू, खजूर, कुछ भी ये सब नहीं लेना चाहिए जब तक हम हाँ हील नहीं हुए, जब तक हम स्वस्थ स्वस्थ नहीं हुए हैं। सिंपल लेना चाहिए, जो हमारा गॉडमेड फूड है, बिना सॉल्ट का, बिना नमक, बिना मसाला का हमको लेना है। और फास्टिंग पे ध्यान देना है, जो कैंसर साधक है उनको धीरे धीरे फास्टिंग को बढ़ाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी ऐसा नहीं है कि जल्दी ले जाना है, 8 बजे। आज अनीता जी बता रहे थे, वो 8 बजे, 8:30 बजे लेते हैं बोल के सवेरे। आप तो आपका एनिमा करने के बाद, सवेरे का एनिमा करने के बाद काउंट करना है आपका घंटा, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना घंटे आप रह पाते हैं आराम से उतना घंटे रोज का रहना है। और पहला वाला डिटॉक्स जूस लेना है आपको। उसके बाद जब भूख लगे, ऐसा टाइमिंग नहीं लिखना है कि 2 घंटे बाद देना है कि 2 घंटे बाद देना, ऐसा नहीं। अपना शरीर का जज खुद बनना है, हम बोलने से नहीं होगा। आपका शरीर को सुनना है, बॉडी को सुनना है, बॉडी अपने आप जो बोलेगा मांगेगा। फिर उसके बाद हमको जो भी अच्छा रीजनल सीजनल ओरिजिनल जूस लेना है आपको, या चबा के रस लेके छोचा भी फेंक सकते हैं। मौसम्बी का हो गया, संतरे का हो गया, जो भी हो, जो रसीला चीज है, जो रीजनल है, सीजनल है, वो चीज आप चबा के रस लेके छोचा फेंक सकते हैं, ठीक है। और बाकी वो हाँ पैर का जो बात बोल रहे हो, वो भी हमारे अंदर के मेरे जो अनुभव है वो बताएंगे हम, कि हमारा बॉडी कुछ डिटॉक्स करना चाहता है तो इस कदर होती है। कभी पैर में सो गया जैसे लगता है, और वो मतलब चलने में जैसे कुछ पता नहीं लगता, पैरों में सुई चुभाने से भी पता नहीं लगता। ये सब चीजें जब हमारे अंदर से कोई गंदगी निकलती है किसी भी आकार में, हमको कहीं दर्द होगा, कहीं जलन होगा, कभी किसका पैरों में जलन हो जाती है, कभी हाथों में जलन हो जाती है, कोई छाती में जलन हो जाती है, तो ये सब आती रहती है। इसमें घबराना नहीं है और ये अपने आप आएगी और चली जाएगी। बाकी हम इसको थोड़ा सबर करना है। बाकी सुरेश बेटा बताएंगे, अगर कुछ पैर में जो ये हो रहा है, अगर वो कुछ उनको और कुछ हाँ पता है तो बता सकते हैं। माँ, एकदम वो सुन्न हो गया, मतलब सेंसेशन बिल्कुल नहीं रहा है, चलने की इच्छा ही नहीं होती है और पूरी एनर्जी खराश हो गई ऐसा लगता है। पहले मैं बहुत एक्टिव था, सुबह शाम नीचे जाता था, मगर अभी पिछले 10-12 दिनों से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। उठने एक बार बैठ गया तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है एनर्जी लेवल मेरा बहुत कम हो गया है। और आपने एनिमा जब मैं 3 टाइम दो दो टाइम ले रहा था, तो अभी आपने 2 टाइम बोला है तो 2 टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि सुबह और आपने छह शाम के महीने लिए। से ये तक कर रहे हैं, तो हाँ, इसीलिए 6 महीने मैंने, इसीलिए सवेरे और शाम का बताई थी मैंने। अभी सुरेश अब भाई आप जी से बात बाकी कर सकता हूँ? बता देंगे। हाँ, जी सुरेश सुरेश भाई जी, जी से अपने बात आप को कर इन्वाइट सकता हूँ? कीजिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जैसा कि माँ ने बताई दिया है कि मैं पिछले 6 महीने से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। बीवी चौहान का, अमरेली का मैं शिविर जब से अटेंड किया था 8 अप्रैल से, जब से मैं एनिमा ले रहा था 3 टाइम, और वो भी एक टाइम में 2 बार ले रहा था। ये माँ ने बताया कि 3 टाइम ना लेके आप 2 टाइम लीजिए। बाकी तो अभी तक तो ठीक था, मगर पिछले मेरा जो रिपोर्ट कराई मैंने, CA19.9 जो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन लेवल पहले स्टार्टिंग में 14,000 आया था, बाद में घट के 7,000 आ गया था। मैंने 8 दिन का निर्जला किया था, आपका स्पीच वहाँ अमरेली में सुना था, उसके बाद से फिर उसके बाद से मैंने टेस्ट कराया था तो 7,000 आ गया था। हम लोग बहुत खुश हुए थे। फिर बाद में मुझे किसी गाइडेंस बराबर नहीं मिली, गुरुजी भी आउट ऑफ इंडिया थे और कुछ बराबर गाइडेंस आगे पीछे नहीं मिली, तो मैं अपने हिसाब से
5 से 6 बजे तक फिनिश कर देता था, मगर रॉ ही खा रहा था और 3 टाइम दो दो बार एनिमा ले रहा था। तो मेरा इस समय मैंने जब कराया CA19 तो 14,000 आया, 24 24,000 आया सॉरी। तो हम लोग घबरा गए, तो फिर आनंदी माँ से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला आपने जो 6 महीना मेहनत की वो बेकार गई है, आप अभी ये करिए। तो मैं फिर आनंदी माँ को ही हम लोग अभी पिछले हफ्ते से फोन कर रहे हैं, और हम आने की भी सोच रहे थे, मगर बोले आप बॉम्बे वालों को हिमाचल में ठंड बहुत है, आपको नहीं जमेगा, आप सुरेश भाई से बात कर लीजिए। एक दो बार आपसे कोशिश किया अनीता ने, मगर आपसे बात नहीं हो पाई। तो ये पैरों में जो सुन्नपना आ गया है, तो यहाँ जो मैं जिसको फॉलो कर रहा था, उन्होंने बोला ये जो सेल हैं उसकी वजह से ये नस सब ब्लॉक हो जाती हैं, वो धीरे धीरे अपना असर कर रही है, क्योंकि 24,000 हो गया ना मेरा काउंटिंग, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं एक बार चलने लगू ना, नीचे घूमने लगू, तो मैं वापस एक्टिव हो जाऊंगा। मैं योगा, प्राणायाम, घास में नंगे पैर चलना, एक्सरसाइज सब कुछ करता था, सूर्य सूर्य नमस्कार, सूर्य का दर्शन, ये 40 मिनट में वो सूर्य की किरण भी लेता था, मगर जब से ये 10 दिन से हुआ है मैं नहीं ले पा रहा हूँ सुरेश भाई, तो आप मुझे गाइड करिए प्लीज। अब मैं बोलूं, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो अपने आप पर आपको विश्वास नहीं है, सॉरी अपने आप पर ही आपको विश्वास नहीं है। अच्छा हाँ, मुझसे पूछ लिया, आनंदी माँ से पूछ लिया, गुरु जी से पूछ लिया, तो इसमें सबसे पहली बात यह, अपने आप पर विश्वास कायम कीजिए। ठीक है। हाँ, फिर अभी आपने बोला किसी और से गाइडेंस ले रहा था, इसमें सभी के अपने अनुभव हैं। नहीं, वो उनसे गाइडेंस मतलब प्रताप भाई से, जो बीवी चौहान जी के वो है ना भतीजे, एनडीएस मैं नाम नहीं पूछना के। चाहता हाँ किसी से भी, सुनो मेरी जी बात, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, हाँ आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, डॉक्टर पर विश्वास है जो आप बार बार टेस्ट करवा रहे हैं, बंद कर दो। वो टेस्ट करवाने से पहले आपको नुकसान क्या था ये बताइए, किस कारण आपने टेस्ट करवाया? पैर जो सुन्न हो गए थे ना, उसकी वजह से मैंने करवाया, नहीं तो मैं नहीं, एक्टिव नहीं, हाँ तो एक्टिव वही नहीं तो हो रहा बात हूं हुई ना, मतलब। बात तो वही आगे रुकी कि आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। एनडीएस का रास्ता एक विश्वास का रास्ता, इस पे विश्वास करके चलते रहिए ना, हमें टेस्ट करवाने की जरूरत है। अगर 100% इसको ईमानदारी से फॉलो करें तो 101% इसमें रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। और टेस्ट कराने से पहले मेरे जो पेनक्रियाज में कैंसर आया है ना, उसमें भी दर्द हो गया था, और पीठ में भी काफी दर्द थी, और पैरों में सेंसेशन खराब हो गया, ये तीनों सिंबल आ रहे थे। तो प्रताप भाई ने बोला एक बार तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो फिर मैंने करवाया, नहीं तो मैं अन्यथा मैं नहीं करवा रहा था। घर वाले लोग कितनी बार बोलते हैं वेट से, अभी मेरा जब से 8 अप्रैल से मैंने किया है, 10 से 12 किलो वजन कम हो गया है, मेरी आवाज सिर्फ बहुत कमजोर हो ओनली गई है। 10-12 किलो वेट कम है, ओनली, वो हाँ, तो ओनली बहुत ओनली समझ लीजिए माँ, कम मगर वजन तो कम हो गया है। और जब मैं निर्जला करता हूँ, अभी 3 दिन निर्जला किया ना, तो उसके बाद से आवाज बंद हो जाती है मेरी, आवाज बिल्कुल नहीं हो पाती है, फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। चौथे दिन तो मेरी आवाज ही बंद हो गई थी, फिर वो रसा प्रसार किया तो थोड़ा ठीक रहा। हाँ गुरु जी ने एक ही बात बोला है, एनडीएस पहली बात तो विश्वास के साथ करना है, वो तो कर रहा हूं मैं। इसके ऊपर नहीं, विश्वास कायम नहीं है ना, डॉक्टर के पास चले गए, टेस्ट करवाए, मुझसे पूछ लिया, आनंदी माँ से पूछ लिया, प्रताप भाई से पूछ लिया, आप लोग सभी लोगों के पास फोन करते हैं, हमें अपने शरीर के नहीं ऊपर खुद प्रैक्टिकल करना है, हमारा शरीर जो बोले हमें करना है। सही बात, एनडीएस में 50 लोगों से पूछोगे तो 50 के 50 के अनुभव अपने अपने अलग होंगे। सबके अलग अलग रहेंगे, सही बात। हाँ,
तो आप अपना अनुभव कीजिए ना, आपका शरीर क्या बोलता है उसके अनुरूप चलिए आप। ठीक है, तो हाँ, जब आपको अपने अभी ऊपर तो विश्वास हो जाएगा तो ये प्रश्न पूछने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पैरों में जो सुन्नपना आ गया है, तो वो कुछ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि कैसे जाएगा वो? फिर ट्रीटमेंट के जी ऊपर बात है, आप वही तो बात हो ना, एनडीएस में ट्रीटमेंट नाम का शब्द तो जी है ही नहीं। एनडीएस तो एक साधना कुछ है, एनडीएस तो नाम एक साधना का है, जैसे इसमें ट्रीटमेंट नाम का कोई गरम शब्द है ही नहीं। गरम पानी का सेक या गरम पानी में बैठना, ऐसा कुछ नहीं ना? ये किसने बताया? नहीं, ये तो मैं अपने मन मन से बता रहा हूँ, मन से पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस यही है कि जब भी पैरों में ऐसा कुछ होता था तो हम गर्म पानी में 10-15 मिनट बैठ जाते थे नमक डाल के। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं। मैं वाइफ तो बहुत यहाँ वहाँ बोलती है, यहाँ ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैं बोला नहीं, मैं एनडीएस पे विश्वास है तो मुझे एनडीएस पे ही विश्वास है। तो फिर विश्वास लेकिन कहाँ मैं हुआ आपने? फिर आपने वही क्वेश्चन किया कि गर्म पानी में बैठना, गर्म पानी में पैर सेकने, बात तो वहीं आके रुकी ना कि अपने आप के ऊपर ही विश्वास नहीं है खुद का। जब तक अपने आप नहीं, को, अपने शरीर पे, अपना खुद की मन से विश्वास नहीं होगा तब तक एनडीएस सफल नहीं हो सकता कभी भी। हाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि ये टेम्परेरी है, तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपका एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूं तो उससे ना मुझे फायदा हो जाए फट से, तो मैं फिर वही नीचे ट्रीटमेंट नाम आप कम फिर वही ट्रीटमेंट बोलते हैं। से ट्रीटमेंट नाम का शब्द एनडीएस में नहीं है, एनडीएस में सिर्फ एक साधना शब्द है। ठीक है सुरेश भाई। अपने शरीर पर खुद प्रैक्टिकल कीजिए, खुद सारे आविष्कार खोज जितने भी करने अपने शरीर पर खुद कीजिए, अपना डॉक्टर खुद बना। डॉक्टर गुरु जी क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अपना डॉक्टर खुद बने, हमारा शरीर जैसे बोले वैसे करते रहिए, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना। सबसे बड़ी बात ये है, दिन में 10 लोगों को फोन लगाएंगे, उसको पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे, वो सभी सभी के अनुभव अपने अलग होंगे, आप कहीं भी नहीं जा नहीं, पाएंगे। हम तो किसी को नहीं पूछ रहे हैं, अभी आनंदी माँ को ही फॉलो कर रहे हैं। आनंदी माँ ने बोला था कि है ना, सुरेश भाई जी से जरा पूछ लो कि पंजाब में आए कि हिमाचल में आए, तो फिर अनीता आपको फॉलो कर रही थी, फिर अभी भी आनंदी माँ से ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप सुरेश भाई से बात करिए। और प्रताप भाई से तो मैं 1.5-2-3 महीने में कभी ऐसे ही उनका फोन आ जाता है या मैं कर लेता हूँ। उनको मैंने, जब मेरा 7,000 काउंटिंग हुआ था तो उन्होंने एक वीडियो मंगवाया था, वो वीडियो भेजा था वही, मतलब बाकी मेरा हर रोज हर रोज मैं किसी को नहीं वो करता हूँ। 6 महीने से मैं बराबर एनडीएस ही कर रहा कोई हूँ। बात नहीं बेटा, आपको पता है तो बता दो इनको, नहीं तो क्या करना है बोल दो। हाँ मैं जी, हाँ एनडीएस जी, फॉलो करना है बस, ये एनडीएस में एक ही बात है, तीन बातें सब गुरु जी ने जो बताई वही फॉलो करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुरु जी यही तो बोलते, जो होना होने दीजिए। ये वीकनेस जैसे आ गई है तो वो कैसे दूर होएगी सुरेश भाई हाँ, जी? ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वीकनेस आपके शरीर में है तो आपके शरीर में मल रुका हुआ है। मल में तो अभी जैसे मैं रसार पे हूं तो मल में तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, 3-4 दिन से पानी पानी निकल रहा है। अभी 3 टाइम की जगह मैंने 2 टाइम कर दिया, माँ ने बताया था, तो सिर्फ पानी पानी निकलता है, बाकी कुछ भी नहीं निकलता है। अभी मल कहाँ रुका हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर पानी निकल रहा है, वो वीकनेस तो आपको पानी काफी। लगता है, वो आपको सिर्फ पानी लगता है, उसमें भी अपना शरीर के मतलब, हाँ वो तो बताया था गुरुजी ने कि हाँ वो गंदगी है, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि अभी जूम मीटिंग है, सब लोग सुन भी रहे हैं, तो थोड़ा मेरा वीकनेस चली जाए, थोड़ा मैं चलने लगूं, इतना कुछ हो जाए तो बस बढ़िया हो जाए। आवाज अभी बात करते करते ही मुझे थकान हो गई, इसलिए माँ से ना अनीता ही बात कर रही है, मैं थक जाता हूँ। अभी मीटिंग थी तो मैं बैठा था और मैं बोला चलो बात कर लेता हूँ, बात करने को भी नहीं जमता है सुरेश भाई जी। नहीं, धीरे धीरे इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए।
स्मूदी टाइप का लीजिए, खीरा टमाटर जो है उसको पीस के स्मूदी टाइप लीजिए। अच्छा, वो कैसे लेना है माँ? मतलब एक ही टाइम लेना है ना दिन भर में? हाँ जी हाँ जी, जब भूख भी भूख लगे, जब भी भूख लगे भूख को तो माँ देखना। लगती नहीं है मुझे, भूख प्यास तो बिल्कुल लगती नहीं है हाँ तो अभी नहीं आपने पानी, लगती है तो नहीं लेने से जल्दी ठीक हो गए। अभी आपने पानी की पट्टी बोली है तो पानी की पट्टी मैंने लगाई है। आप जैसा बोलते हो वैसा हम फॉलो करते ही हैं बराबर। नारियल पानी कभी कभी पी सकते हैं क्या? हाँ जी पी सकते हैं। हाँ, वो आपने जैसे आज कपड़े की पट्टी बताई थी गीली करके, वो तो लगाया, उससे बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर मतलब एक बार बैठ गया ना फिर उठने का मन नहीं करता है। सुबह जब मैं बेड से उठता हूँ तो कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है उठने में। पहले मैं इतना था कि सूर्योदय से पहले उठ जाता था, 4-5 बजे मैं नीचे घूमने चला जाता था। अभी मेरे मैंने में उनको ऐसा, बताई थी खाने से हील नहीं होगा, खाना तो एक हमारा एक अलग, खाली भोजन परिवर्तन से नहीं होगा, सेवा सुमिरन पे भी ध्यान देना है। सेवा मतलब वही चीज बता रखी थी सभी को, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, आपके लिए बोल के नहीं। किसी को भी एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए, क्रियोलिटी हो रही है, हिंसा हो रहा है, उन सब का बद्दुआएं हमको सभी को, मतलब आप लोगों को जिनको भी ले लिए थे, प्रायश्चित भाव होना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना है कि हमने गलती करे थे, हमको पता नहीं था हमने लिए, अब हम माँ क्षमा मांग रहे हैं करके उनको हरा चारा आपके हाथों से खिलवाइए, हरा जो पशु को, और किसी को भी आप खुद बताइए कि ये चीज नहीं होना चाहिए। जैसे वो प्रेग्नेंट पशु अपनी बच्चों के लिए हो रहा है, वो दूध अपनी बच्चों के लिए है, जैसे माँ लेडी हमारा इंसान भी जब माँ बनते हैं, लेडीज लोगों ने वो अपनी बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे गाय पशु जो भी भैंस जो भी बच्चे हो रहे हैं उनका अपने बच्चे के लिए हो रहा है, और लेकिन वो ले रहे हैं, तो इस सब का एक गलत प्रभाव हम उनका बद्दुआएं मिल रही थी, हमारा कर्म उसी से खराब हो रहा है। हमारा कर्म को सही करना है तो खाली भोजन से सही नहीं होगा, हमको किसी को भी प्रेरित करना है, एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाना है, आप खुद ही बोल के किसी को ये बताइए, हनी शहद ये सब नहीं लेना चाहिए, ये सब बताइए, साथ में कुछ जब भी आपके हाथों से फल बांटती है मतलब किसी को फल खिलवाइए, ये सब भी आपको हील करने में सहयोग करेगा। ये बात भी मैंने अनीता जी को बता दी थी, तो अभी बता तो ही जूम दी आप। मीटिंग चल रही है तो ये सब भी सभी को भी पता लगना चाहिए, तभी मैं बता रही हूँ। हमने क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सोचते हैं घी यूज कर ले, घी किसी के माँ, चलो दूध छोड़ दिए, दही छोड़ दिए, पनीर छोड़ दिया, घी यूज कर रहे हैं किसी के माध्यम से भी, हवन में भी सोचते हैं घी डालेंगे, गाय का घी से अच्छा होगा, ये गाय का घी हम हमारे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ यूज कर रहे हैं, और घी का गाय का घी की जगह में हवन दूसरे ये में भी कर सकते हैं हम, हवन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम अगर कर भी रहे तो तिल का तेल में भी कर, लेकिन हवन भी हमने देसी घी होने से एकदम हमको पढ़ाया गया है, शास्त्रों में पढ़ ले किसमें पढ़ ले, तो हम यही चीजें हमारे दिमाग में घूम रही है, जबकि वो चीजें सब नहीं होना चाहिए। तो ये अगर घर में गाय का घी भी कोई ले रहे हैं कि आपके पैसे से भी अगर कोई आप नहीं ले रहे कि, लेकिन आपका पैसे से अगर कोई भी दूध ले रहा है, कोई भी चीजें आ रही है दूसरे लोगों को खिला पिला रहे हैं, तब भी हमारा कर्म सही नहीं होगा, हमारा प्रारब्ध नहीं कटेगी, हमारा प्रारब्ध बदलेगी नहीं, तो आपके इस चीज सब चीज का भी ध्यान देना है कि हम बिल्कुल चाय दूध ये सब, कोई घर में मेहमान आते हैं तो हम दूध का चाय हम खुद नहीं लेते हैं, लेकिन उनको फिर आए हैं बोल के चाय पिला लेते हैं, दूध मंगवा लेते हैं पैकेट वाला दूध नहीं तो, और फिर पिलाते हैं कि दही का शरबत कुछ भी दे देते हैं, तो कम से कम ये भी ध्यान रखना है, कोई मेहमान आ रहे हैं कोई गेस्ट आ रहे हैं तो कम से कम अपने हाथों से जहर ना दे, चाय ना बनाए, दूध का चीजें ना दे, कि ये दही का शरबत बना के ना, लस्सी बना के ना दे, ये सब चीज बहुत मायने रखता है, तो अगर हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ उनको फल दीजिए जूस लीजिए इस सब चीजें देंगे जो गेस्ट आएंगे, तो ज्यादा आपको आपका हीलिंग में सहयोग करेगा।
ये सब चीज भी सभी को ध्यान देना चाहिए। नींबू शहद पानी काफी लोगों को दे देते हैं, वो भी गलत है। शहद भी लेते हैं, शहद भी वो अपनी बच्चे अपनी ये के लिए कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं। हम सोचते हैं वो आयुर्वेद में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, बस शहद चाहिए। कोई भी दवाई के साथ शहद ले रहे हैं, शहद मिला के हम भी करते थे सबका, आप लोग हम भी हम, लेकिन हम जाग गए। हमको जब से पता लगा कि ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली नहीं लेना चाहिए। हम भी संत लोग थे, हमको भी शहद जो यही सोचते हैं, जैसे पूजन करते हैं तो हमने जो पांच पंच ये में शहद भी, घी भी, दही भी, पंचामृत बनाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब भी ये है कि भगवान जी ऐसा नहीं, ये हम मन से सब ऐसे, कोई पंडित बता दिया हम पंचामृत कर लिए, उसी में वो स्नान भी कराते शिवलिंग को, तभी भी ये सब अभिषेक में भी डाल रहे हैं। तो ये सब चीज का ध्यान रखना कि इससे प्रभु खुश नहीं होते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि प्रभु इसे, प्रभु हमारे अंदर है, हम उनका जब चीजें हम अंदर डालेंगे, जैसे बेल पत्ता वो बता रहे थे, बेल पत्ता का रस अपने अंदर प्रभु बैठे हैं, उनको बेल पत्ता का रस पिलाइए, जो भी पत्ते दे डाल के उनका रस दीजिए तो भी हम सही होंगे। लेकिन हम वो बातें ध्रुव घास का रस पी सकते हैं, तो ये सब चीज का भी ध्यान रखना है। पूजन में भी ये सब का यूज नहीं करना है। ठीक है बेटा, ठीक है माँ, प्रणाम सुरेश भाई, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हो जाएगा, मन में एकदम मजबूत रखिए। मैं ठीक हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरा हीलिंग हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। ये 2-4 दिन का मेहमान है, आए हैं, निकल रहा है, निकल रहा है, ऐसे मन में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, रखिए। पूरा विश्वास है मुझे पूरा एनडीएस पे विश्वास है। और मुझे खाने पीने का तो पहले से ही शौक नहीं था, चाय तो मैंने ना जाने 10-12 साल से छोड़ के रखा था, चाय दूध तो पीता ही नहीं था। बाकी मुझे खाने का कोई मेरे सामने कुछ भी खाए मुझे चाम ही नहीं था। और अभी इस समय कुदरत ने ऐसा दे दिया, मैं खाने का तो बिल्कुल मेरे को चाम नहीं, ना टेस्ट का है, बस मैं भगवान का नाम लेके अपना जो भी देती है अनीता मैं खाता रहता हूँ। ठीक है माँ, और धन प्रणाम। दीजिए, शुक्रिया अदा करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है माँ, माँ नमस्कार, प्रणाम, सुरेश भाई नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जगदीप जी बोलिए। हाँ जी, मेरा ये गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा ना मैडम, वो मेरा भी प्रश्न था पहले शुरुआत में, आई वॉज फेसिंग दैट प्रॉब्लम। लेकिन उसमें क्या है कि एएनडीएस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो सेवा और सुमिरन कम था, ये बढ़ा ने बहुत बढ़ा दिया, सुमिरन बहुत बढ़ा। अभी सुमिरन करता हूँ, 40-40 मालाएं करता हूँ, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, और सेवा बढ़ा दिया, तभी ये अच्छा हो गया मेरा प्रॉब्लम। सुरेश भैया ने, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, 6 महीना क्या है, धीरे 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 होगा। मेरा 5 साल से मैं कर रहा हूं, तो सेवा सुमिरन बढ़ा दीजिए। सुमिरन क्यों नहीं बढ़ाते हो, सेवा तो करना ही है 10% जितना, लेकिन सुमिरन भी बढ़ा दीजिए। तो ENDS कैसे, ये 2-3 कॉम्पोनेंट्स है, ये जो बताते हैं फास्टिंग, एनिमा और ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में बेलपत्र, दुर्वा ग्रास, दे विल वर्क वेरी गुड। दुर्वा ग्रास और बेलपत्र, महाबेलपत्र और ये पीपल ट्री, दैट विल वर्क वेरी गुड। और सेवा, सेवा बहुत मायने रखती है। और सुमिरन, सुमिरन करो, बहुत बहुत सुमिरन करो। ये ठीक मेरा है बेटा, प्रॉब्लम अभी। कौन है? जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, सुरेंद्र जी अपने आप। हाँ जी बोलिए। माता जी के चरणों में बहुत बहुत सत प्रणाम। माता जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ यूपी से, जो आपसे काफी दिन पहले से जुड़ा हुआ हूँ माता जी, और मैं बताए हुए आपके रास्ते पे चल रहा हूँ। और माता जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सुबह को जो जूस बना के लेता हूँ उसके अंदर आंवले की क्वांटिटी ज्यादा लेता हूँ।
थोड़ा खट्टा करके। अरे कितने घंटे बाद पीते हो उसको? नहीं, तुरंत के तुरंत पीता हूँ और बना ठीक के। है, आंवला, आंवला अपने शरीर के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। इसमें आंवला इसीलिए डाला जाता है कि अंदर की सफाई हो, मतलब 1.5-2 घंटे बाद जो भी चीज हम लेते हैं वो क्लींजिंग के लिए ले, मतलब उसमें अपने आप टॉयलेट आती है, अपने आप का अंदर की क्लींजिंग होता है, तो इसके लिए वो दिया जाता है। किसी को 5 में हो जाता है, किसका 4 में हो जाता है, किसमें 6 में हो जाता है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है, वो आप ले सकते हैं। माता जी, लेकिन मुझे डकार आती रहती हैं, हमेशा डकार आती रहती हैं, गुर्र गुर्र ऐसे करके, और मेरी आंख, मेरे पेट में गैस हमेशा बनती रहती है। सब जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ये भी एक तो उबाड़ है। और कभी भी मिलावट वाला चीज इकट्ठे मत लीजिए, मतलब और नमक डालना है तो नमक मत डालिए। अगर जी नमक मसाला किसी में भी डालना है तो वो बंद कर दीजिए। और जब भी जूस ले रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं या सलाद खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं तो खाली खीरा लीजिए, टमाटर ले रहे तो खाली टमाटर लीजिए, फिर 1 घंटे बाद कुछ लीजिए। फ्रूट ले रहे हैं तो खाली एक ही फ्रूट लीजिए, अमरूद खा रहे हैं तो खाली अमरूद, उसका टेस्ट लीजिए, आनंद लीजिए। फिर आधा 1 घंटे बाद कोई फ्रूट ले रहे हैं तो एक फ्रूट को लीजिए। मिलावट करेंगे तो गैस बनेगी, क्योंकि हमारे अंदर में इतनी शरीर को बोझ देते हैं, हमारे अंदर में जो शक्ति है उन्होंने एक ही रस निकालेंगे आपको डाइजेस्ट करने के लिए तो सही रहेंगे। लेकिन 10 चीजें इकट्ठे ले लेंगे, मिलावट करके ले लेंगे, तो उसको हजम करने के लिए अलग अलग पाचक रस उनको निकालना पड़ेगा, और सभी सभी चीज का डाइजेशन का अलग अलग समय लगती है। जैसे फ्रूट में अलग अलग फ्लेशी फ्रूट, जूसी फ्रूट इकट्ठे लेंगे तो फ्लेशी फ्रूट का डाइजेशन का टाइम अलग है, जूसी फ्रूट का टाइमिंग, जूस मतलब फ्रूट का डाइजेशन का टाइम अलग है। अगर हम मिक्स करके ले लेते हैं साथ में, तो इसी में क्या होता है ना, वो हमारा रस अलग निकलती है, समय अलग लगता है, और हम सही नहीं हो पाते और वो गैस बनती है। तो इसके लिए आप जब भी ले एक ही चीज लीजिए, भूख लग रही है 1 घंटे बाद दोबारा थोड़ा मात्रा में ले लीजिए, लेकिन एक ही चीज लेना है उसमें, और नमक मिर्च मसाला नहीं डालना है, तो अपने आप सही हो जाएगी धीरे धीरे। एनीमा पे ध्यान देना है। नहीं, मैं माता जी दो टाइम देता हूँ, आपने जैसे कि बताया हाँ 300 से 400 ml पानी लेना है, उसके बीच में ही मैं लेता हूँ, हाँ, दो बार लेता हूँ आपकी एक टाइम में। किडनी का प्रॉब्लम है ना, आपको मना भी करी थी नमक नहीं लेना बोल के। नहीं, माता जी नमक नहीं ले रहा मैं, बिल्कुल आप छोड़ दिया है बिल्कुल नमक। हाँ, और सही होगा। और आप बाकी 1 लीटर के बीच में, 1 किलो के अंदर में आपको कोई भी चीज लेना है, मतलब ज्यादा एकदम लोगे तब भी वो किडनी का प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होती है। जब सलाड आपको ज्यादा जूस नहीं लेना है, चबा के लेना है, चबा के खाना है, ठीक है, चबा के एक टाइप का लेना है।